हेलो फ्रेंड्स वालेकुम आज है वैलेंटाइन डे और मैंने सोचा क्यों ना अपने हस्बैंड को वैलेंटाइन डे पे सरप्राइज डिनर करवाया जाए और जो कि वो घर में बनाया हुआ डिफरेंट तरह के खाने जो कि मैं खुद बनाऊँ अपने हाथ से अपने हस्बैंड के लिए और कहते हैं कि मर्दों के दिल का रास्ता जो है वो उनके पेट से होकर जाता है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि औरत के दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और आखिर में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर अब ये आइडिया जब मुझे आया डिनर प्रिपेयर करने का तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ढाई बजने वाले थे और मेरे हस्बैंड ने छः बजे घर आ जाना था अब मैंने सबसे पहले वाइट सॉस पास्ता जो है वो बनाना शुरू किया अब बहुत कम टाइम था और बहुत जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना था मैंने चिकन स्ट्रिप्स ले ली थी बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स और मैंने उनको मैरिनेट कर लिया था उसी बर्तन में जिसमें मैंने उसे पकाना था अब इनको मैरिनेट करने के लिए मैंने सिर्फ तीन चीज़ें ली थी जो कि था नमक काली मिर्च लसन अदरक का पेस्ट और सोया सॉस चार चीजें ली थी अब इनको मैंने अच्छी तरह मैरिनेट करके चिकन को रख दिया था तकरीबन हाफ आवर के लिए और उस तक टाइम तक मैं पास्ता बॉईल कर लूँगी अच्छा जी ये लोटे कंपनी का पास्ता है आप प्लीज़ अच्छी कंपनी का पास्ता मैक्रोनी और स्पेगेटी यूज़ किया करें तो आपकी इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो बहुत अच्छी बनेंगी और पास्ता जो है वो अच्छी कंपनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब जी ये मैंने चिकन में ना टू टेबल स्पून ऑइल डाल दिया था और इसको कवर करके कुक होने के लिए रख दिया था ताकि चिकन अपना सारा पानी छोड़ दे और यहाँ पे जी हम पास्ता बना रहे हैं वक्त जो है वो बहुत कम था और बहुत ज़्यादा डिशेज़ मैंने तीन डिशेस बनानी थी और अब ये पास्ता को जो है वो मैंने उबाल के ड्रेन कर लिया है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिकन अपना पानी छोड़ चुका है और जब पानी चिकन अपना छोड़ देगा तो लीड उतार कर हम उसको ड्राई कर लेंगे पानी को और थोड़ा सा ऑयल जो हमने डाला हुआ था उसमें वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा चिकन अब ये मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी तीन वेजिटेबल्स मैंने इसमें यूज़ की थी जो उसमें से दो आपको नजर आ रही हैं ये थी गाजर और शिमला मिर्च जो तीसरी सब्ज़ी मैंने इसमें यूज़ की थी वो थी कॉर्न और ये थोड़ी सी कॉर्न थी जो कि मैंने इसमें यूज़ की थी मेरे पास ये पहले से पड़ी हुई थी फ्रीज आ, हुई हुई जिसको मैंने डीफ्रॉस्ट करके इसमें यूज़ किया था अब मैं आपको दिखाऊंगी जी ये मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ नमक डाला था काली मिर्च डाली थी और चीनी डाली थी हाफ टी स्पून ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली थी तो अगर आप चीनी डालेंगे ना उससे ये होगा कि सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इन्हें सोटे कर लिया था फ्राई कर लिया था अब आए हैं जी सॉस बनाने की बारी सॉस बनाने के लिए मैंने दो टेबल स्पून बटर लिया था और उसको मेल्ट कर लिया था ये मैदा है जो कि मैं उसमें ऐड करूँगी वाइट सॉस बनाने के लिए जैसे ही हमारा मैदा जो है बटर जो है वो मेल्ट होगा हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच मैदा और इसको अच्छी तरह भून लेंगे एक चम्मच मैदा जो था वो कम था तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैदा और ऐड कर लिया था अच्छा जी अब आप देख रहे हैं कि मैं हाफ़ टी स्पून मैदा इसमें और ऐड कर रही हूँ और अब इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे मगर प्लीज़ फ्रेम लो रख लो रखिएगा और इसको बंद बिल्कुल भी नहीं करना अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा भून जा रहा है मैदा वाइट बटर में और अब इसमें हमने डालना है दूध दूध डालते हुए ना आपने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इसको हिलाना है मैंने क्योंकि कैमरा पकड़ा हुआ था तो मेरे से ना बहुत जल्दी हिलाया नहीं गया जिसकी वजह से इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ बन गई थी जो कि आप देख सकते हैं मगर फिर भी अगर इस तरह की कुछ गुठलियाँ बन भी जाएँ तो आपने परेशान नहीं होना लो फ्लेम पर जैसे हम इसको पकाते रहेंगे ना तो ये खुद ही ख़त्म हो गई थी अब इसमें जी मैं काली मिर्च डाल रही हूँ आपने काली मिर्च नहीं डालनी आपने वाइट पेपर डालनी है मैं क्योंकि सरप्राइज़ डिनर प्रिपेयर कर रही थी मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं ना ये रेसिपीज़ बनाने में वो मेरे पास घर में मौजूद थी और क्योंकि मैं अगर अपने हस्बैंड को पहले बताती या मतलब कुछ भी उनसे मंगवा नहीं सकती थी क्योंकि सरप्राइज़ तो फिर सरप्राइज़ नहीं रहना था और ये जी मेरे पास चीज़ भी जितनी घर में पड़ी हुई थी वही मैंने बीच में डाल दी और अब आप ये देख रहे हैं कि हमने सब्जियां और पास्ता ऐड करने से पहले ही सॉस में पी जो चीज़ है ना वो डाल लिया है अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर लेंगे और इनको मैं मिक्स कर रही हूँ अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने ये एक एक रेसिपी अलग अलग प्रिपेयर की है तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है मैंने ये तीनों रेसिपीज़ एट अ टाइम बनाई थी कभी मैं किसी एक रेसिपी का एक स्टेप कर रही थी दूसरी रेसिपी का दूसरा स्टेप कर रही थी मतलब मैं पागल हुई हुई थी टाइम बहुत कम था काम बहुत ज़्यादा था बच्चे बहुत ज़्यादा सता रहे थे बीच में मतलब मेरे तीन अदद बच्चे हैं और वो तीन अदद बच्चों को टोटली मेरी ज़रूरत होती है और अब मैं इसमें औरिगनों डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं फ़्लेम बंद कर चुकी हूँ अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसे गरम कैसे करना है देखो जब भी आपने इसे सर्व करना है पहले से बना के रख लिया और जब आपने इसको गरम करना है ना आपने इसे पहले मिल्क ऐड करना है और इसको मिल्क से मॉइस्ट करके फिर गरम करना है तो यहाँ पे जी हमारा वाइट सॉस पास्ता जो है वो रेडी हो चुका था जिसमें चिकन भी है वेजिटेबल्स भी हैं कॉर्न भी है, है चीज़ भी है इंतहाई टेस्टी ये रेसिपी है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि है तवा मसाला चिकन रेसिपी मैंने जो भी चीज़ें बनाई थी ना ये मैं लाइफ में पहली दफ़ा बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को नई नई चीज़ें खाने का शौक़ है ये मैंने चिकन ले लिया था थोड़ा सा एक प्याज़ लिया है लीमू लिया है नमक लिया है काली मिर्च लिया है और हरी मिर्चें लिया हैं अब इसकी हम करेंगे फर्स्ट मैरीनेशन फ़र्स्ट मैरीनेशन में ये प्याज़ और मिर्चें साबत साबत हमने चिकन के अंदर ऐड कर दी जैसा कि आप देख रहे हैं और अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी काली मिर्च ऐड करूंगी, और एक अदद लीमू जो है इसको स्क्वीज़ करके तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए हम रख देंगे और तब तक हम इसकी नेक्स्ट मैरिनेशन जो है चिकन की तवा चिकन की वो स्टार्ट करेंगे अब आपको लग रहा होगा कि मैं कितना थोड़ा सा चिकन बना रही हूँ आपको अगर मैं सही बताऊँ ना तो ये बहुत ज़्यादा चिकन था तवे पे बनाने के लिए क्योंकि नॉर्मल तवे तवे का जो साइज़ होता, होता है ना वो बहुत छोटा होता है अब आप ये देख रहे हैं मैंने एक अदद प्याज लिया था दो टमाटर लिए थी और छः अदद हरी मिर्च लिए थे और इसके अलावा मैंने लिया था दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट टू टी स्पून एक मुठ्ठी जो है वो हमने हरा धनिया लिया था अब मेरी जो ट्रेजडी है वो ये है कि मेरे पास चॉपर है मगर ख़राब हो चुका है और चॉपर के बग़ैर अब मुझे यह चॉप करना था तो मैंने हैंड ब्लेंडर से चॉप करने की कोशिश की और इंतहाई मुश्किल के बाद मैं इस हालत में इसको ले आई थी अगर आपके पास चोपर है तो ये काम बहुत आसान है और अगर आप मतलब उसमें कूट सकते हैं ना कुंडी डंडे में तब भी बहुत ईजी है इसको बनाना अब जी आप देख रहे हैं कि ये हमने मसाले हैं जो कि है बेसन और इसमें हमने ऐड किया था वो जो होता है टिक्का मसाला और गरम मसाला बस ये तीन चीज़ें जो है हमने इसमें ऐड करके इसको दो टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया था टिक्का मसाला दो टेबल स्पून मैंने बेसन लिया था और एक चाय का चमच गरम मसाला लिया था और जो सब्ज़ियों का पेस्ट बनाया था वो चिकन को अच्छी तरह मल मल के रख दिया था पौने तीन बजे तकरीबन मैं ये स्टेप कर चुकी थी और जब मैंने इसे पकाना शुरू किया तब ऑलमोस्ट सवा चार हो रहे थे बहुत कम देर के लिए मैरिनेट किया था आप ओवरनाइट भी मैरीनेट करके रख सकते हैं और अब ये हमारा मैरिनेटेड चिकन जो है वो तैयार हो चुका है अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ ये तवा है तवे पे हमने ऑयल डाल के उसको फुल हीट अप कर लिया है और ऐसे जी छींटे उड़ने हैं जब आपने इस पर रखना है इसलिए बड़े ध्यान से रखना है और जी ये था यहाँ पे ट्रेजेडी ये हो गई कि मसाला और चिकन था ज़्यादा और तवा था छोटा और ये इस तरह का ना स्टील का बर्तन या कोई भी लोहे का बर्तन लेके आपने उसको कवर करके दम में पकाना है ये रेसिपी की सबसे स्पेशल बात थी इसका यूनिक टेस्ट मगर सबसे ख़राब बात थी मेरे तवे का छोटा साइज तो भड़ा तवा या आप रख लें घर में या फिर आप बहुत थोड़ा बनाएं ऑलमोस्ट टू पीस चिकन बनाएं जो मतलब तिखा पीस होते हैं ना बड़े लेग पीस वो दो ही बना सकते हैं ऐट अ टाइम और ये जी मैंने कोयले को गरम किया इसको फ्यूम करने के लिए और कभी मैं इसको ढक के पका रही थी कभी अनकवर करके पका रही थी कि किसी तरह इसका पानी मुझसे मैनेज हो जाए और फिर सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया और बोटियों को ना मैं चिमटे से करी जा रही थी अलट पलट करी जा रही थी और ये जी नींबू डाल के क्या इसकी खुशबूएं उठ रही थी और बहुत ही यमी रेसिपी थी और वक्त जो है वो गुजरता जा रहा था पकाने में हमें ऑलमोस्ट हो गए थे पौने पाँच और अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि है कराची पराठा रोल अब ये स्टेप जो है मैं सबसे स्टार्ट में किया था मगर आपको अब दिखा रही हूँ चिकन को हमने मैरीनेट करना है और मैरीनेट करने के लिए चिकन मैंने लिया था दही और सिरका ऑयल और ये हैं जी मसाले जो कि है तिक्का मसाला दड़ा मिर्च गरम मसाला काली मिर्च नमक और हल्दी आधा किलो बोनलेस चिकन था टू टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट था और अब इसको मैं करूँगी मैरिनेट ऑयल जो है ना वो मैरिनेशन में मैं क्यों ऐड कर रही हूँ पहले नहीं करती थी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अगर हम ऑयल डालते हैं ना मैरिनेशन में तो नमक और मिर्च जो है वो चिकन में मैरीट्रेट करती ही करती है मतलब ये कोई सीक्रेट मेरे हाथ लग गया है और अब हम इसमें सिरका डाल रहे हैं और इस चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख दिया था सबसे स्टार्ट में और बनाया था सबसे लास्ट में और आटा जो है वो अब मैं गूंद रही हूँ पराठे बनाने के लिए पराठा रोल के लिए तीन कप मैदे में मैंने एक टीस्पून नमक का ऐड कर लिया है जो कि मुझे कम लग रहा था थोड़ा और डाल दिया मैंने और ये जी मैंने देसी घी को ना मेल्ट कर लिया है जैसे समोसे की डो बनाने के लिए हम करते हैं ना कि ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जब हम तो ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसको नीड करेंगे यानी गूंदेंगे पानी की मदद मतलब से तो ये जी मेरा सबसे मोस्ट हेटेबल स्टेप है गूंदना मुझे बहुत ही मुसीबत लगती है और यहाँ पे मैंने आटे को गूँध लिया है और इसको मैंने ऑयल वाला हाथ लगा के एक डब्बे में रख लिया था जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया और अब हम चिकन को तैयार करेंगे पराठा रोल बनाने के लिए तिका मतलब स्टाइल हमने इसको रेडी करना है और ये जो है ना स्टैंडर्ड स्टेप है आपने ऑयल डालना है और कवर करके चिकन को रख देना है और जब चिकन पानी छोड़ दे तो उसको अनकवर करना है और सारा पानी ड्राई कर लेना है और इस तरह जो है चिकन वो बहुत ही ज़्यादा अपने पानी में पकता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होता है और अब आप ये देख रहे हैं मेरे पराठे तैयार करना शुरू कर दिए हैं और स्पीड तेज़ करके ना बड़ी जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी अदरवाइज़ और अब ये हमने बना लिया है एक रोटी अब उसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ और अब इसको हम एक उसके ऊपर आपने मैदा छिड़कना है और एक छुरी की मदद से ना अब मैं इसको कट लगाऊंगी किसी भी चीज़ की मदद से आप कट लगा सकते हैं मैंने चिमटे को यूज़ किया है और ये एक बाल आ गया था पता नहीं कहाँ से आ गया था और अब ये जी हम इसको फोल्ड कर रहे हैं फ़ोल्ड करने का तरीका आप देख लें इस तरह बड़े ज़बरदस्त पराठे बने थे और ये प्रेस किया और ये बन गया जी हमारा पेड़ा अब इसको हमने फ़ौरन नहीं पकाना शुरू कर देना तकरीबन आधा घंटा पेड़े बना के रखने हैं बल वाले और फिर अब इसको हम करेंगे पराठों को फ्राई ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पराठे फ्राई कर रही हूँ और जी ये मैंने चिकन को ड्राई करके कोयले की स्मोक दे दी थी ताकि फुल टिक्का स्टाइल तैयार हो जाए और ये हमारा चिकन भी रेडी है पराठे भी रेडी हैं और ये है जी पराठा ये मेरा ये मेरे हस्बैंड का ये मेरी सास का ये मेरी देवरानी का ये मेरे भाई का ये मेरी भाभी का सब के रेडी हो गया है और यह जी पुदीना लिया था दो हरी मिर्चें ली थी एक मुट्ठी पुदीना हरी मिर्चें और इमली का पल्प लिया था और दड़ा मिर्च डाल के इसका पेस्ट बना लिया था नमक डाल के जो कि है हमारी इमली की चटनी और अब हम जल्दी जल्दी आपको असेंबलिंग दिखा रहे हैं सैलड जो है वो मैंने कैसे तैयार की थी गाजर और प्याज जो है वो काट के उसको सिरके में डबो लिया था खीरे को सिरके में नहीं डबोया था क्योंकि खीरा फिर सही नहीं रहता और मिंट सॉस भी जो है वो मैंने तैयार कर ली थी यानी पुदीने की चटनी और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल ली हैं चटनी डाल रही हूँ इमली की चटनी जो है वो इतनी मज़े की थी इमली पुदीने की कि मैं आपको बता नहीं सकती और यहाँ पे मैं आपको फोल्ड करना सिखा रही हूँ प्लीज़ ये स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा इस तरह से अगर आप पराठे को रोल करेंगे ना तो वो खाते हुए बिल्कुल भी गिरेगा नहीं कोई भी सॉस जो है वो डिप डिप नहीं करेगी तो ये जी हो गया है हमारा एक पराठा रोल रेडी और अब हम आपको लिखे चलते हैं खाने की तरफ़ और ये चीज़ जो मुझे पसंद आया था ना आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन के ये कितना कितना टेस्टी चीज़ बनी थी और ये आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा इन आपको बहुत पसंद आएगी पराठा रोल की रेसिपी और जी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगी कि अगर मर्द के दिल का रास्ता जो है वो उसके पेट से होकर जाता है तो औरत के दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है तो औरत के दिल का रास्ता जी मर्द की जेब से होकर जाता है यानी अगर आप अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहते हैं तो उसे बहुत अच्छे खाने खिलाए और हस्बैंड अगर अपनी वाइफ़ को खुश रखना चाहता है तो उसे चाहिए कि उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करे बहुत ज़्यादा फिर ही वाइफ खुश रह सकती है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़